ये बात आग लगा दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले इन जनाब से मिलिए जो नाई की दुकान पर आए हुए हैं, लेकिन इनको यहां कटिंग नहीं करवानी बल्कि आराम करना है। जी हां, देख लीजिए कैसे चेयर पर पैर फंसारे लेटे हुए हैं, लेकिन इनको इतने में आराम नहीं आया तो यह और पैर फंसारने लगे। तभी देखिए क्या होता है। और यह जनाब क्लास में बैठे हुए थे, तभी इनको गैस बन जाती है। लेकिन इनको यह भी डर था कि क्लास में निकली तो इज्जत का पोपट हो सकता है। तभी इन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक प्लान बनाया कि किताब को गिराता हूँ और इसकी आवाज के साथ ही अपना काम कर लूंगा। मस्त प्लान है। प्लान तो मस्त था, लेकिन भाई की टाइमिंग थोड़ी सी चूक गई और पकोड़े जैसे होट लिए घूम रहे इन भाई साहब को देखे, जिन्हें लगता है कि किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। लेकिन इन्हें इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दुख तो यह है कि इनका आईफोन अब अनलॉक नहीं हो रहा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह भाई साहब सुबह सुबह कॉफी पीते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं और अपना कप डाइनिंग टेबल पर रखकर बैठने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक अनचाहा मेहमान इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। जी हाँ, इनकी डाइनिंग टेबल पर एक सांप बैठा हुआ था और जैसे ही सांप ने इन जनाब को अपने पास आते हुए देखा तो इन पर टूट पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि भाई साहब ने टाइम पर ध्यान दे लिया, नहीं तो ऊपर का टिकट कट जाता। और यहाँ पर यह मोहतरमा पब्लिक पार्क में लगी एलिप्टिकल मशीन पर एक्सरसाइज करते हुए अजीबोगरीब तरीके से आवाजें निकाल रही थी, जिससे पास में खड़ी महिला की यह सोचकर हालत पतली हो जाती है कि कहीं इसमें किसी चुड़ैल की आत्मा तो नहीं आ गई, और बेचारी वहाँ से पतली गली पकड़ लेती है। दोस्तों, अब मिलिए इन जनाब से जो अपनी पसंदीदा कार में बैठकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे और जाने के लिए इन्होंने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी। तभी इनका डॉगी भी बाहर आ जाता है और आसपास घूमने लगता है, जैसे वो भी इनके साथ जाना चाहता हो। जिसे देख मालिक उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अंकल गाड़ी का हैंड ब्रेक वापस लगाना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी ढलान में खड़ी होने की वजह से पीछे जाने लगती है। अंकल उसे रोकने के लिए पीछे भी भागते हैं, लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ इन गिटार बजाने वाले अंकल से मिलिए जो रोड पर पूरे जोश से गिटार बजा रहे थे, और लगता है अंकल ने खाना कुछ ज्यादा खा लिया, जो रस्ते में लगे इस बोर्ड पर जोर से लात मारते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। और क्लास में ही लैम्बोर्गिनी की फीलिंग ले रहे इस बंदे को देख लीजिए, जिसने इतना तगड़ा दिमाग लगाया है कि आपकी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अब मिलिए सस्ते कबीर सिंह से, जिन्होंने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, और रस्ते में चलते हुए जब भाई साहब की चप्पल खुल जाती है तो देखिए उसे पहनने में कितने दिन लग जाते हैं। और घंटों मेहनत करने के बाद भी जब भाई चप्पल नहीं पहन पाए तो हार मानकर नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, फालतू बैठे लोग क्या क्या कारनामे करते हैं वो भी देख लीजिए। जी हाँ, इस मार्ट में जब कोई सामान खरीदने नहीं आया तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी बैठे बैठे बोर होने लगे, तो इन्होंने अपना मनोरंजन करने के लिए चेयर पर बैठकर मार्ट में अपना ही अनोखा खेल शुरू कर दिया कि कौन सबसे पहले दूसरी तरफ पहुँचता है। कुछ भी। और अब इन दो कलाकारों को देखिए जो लगता है अपने दोस्त के घर पर उससे मिलने आए हुए हैं, और सिक्योरिटी कैमरे में देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तभी पीछे जोर से बिजली कड़कती है, जिससे दोनों की अच्छे से फट जाती है,
और दोनों घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। अगर ये दरवाजा नहीं खुलता तो आज पता नहीं ये क्या क्या गीली कर देते। दोस्तों आपने टर्किश आइसक्रीम वाले वीडियो तो देखे ही होंगे जिसमें वो लोगों को आसानी से आइसक्रीम नहीं देते और उन्हें चिढ़ाते रहते हैं, और ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ जिसकी वजह से यह मोहतरमा रोने लग गई और रोने धोने के बाद आखिर में अपना दिमाग लगाया और आइसक्रीम ले ही ली। लेकिन मुझे लगता है आइसक्रीम वाला इस बार आइसक्रीम देने ही वाला था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस जनाब को काम करते करते मस्ती चढ़ जाती है तो ये डांस करने लगता है। भाई ने सोचा होगा कि काम बहुत ज्यादा कर लिया, थोड़ा लड़की को इम्प्रेस कर लेते हैं। और जैसे ही भाई ने डांस शुरू किया तो इसे छींक आ जाती है और भाई का मोमेंट बिगड़ जाता है। और अब मिलवाते हैं आपको बहुत ही टैलेंटेड इंसान से जिन्होंने लगता है कि पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली है, और पीने के बाद यह अपना टैलेंट दिखाने के लिए फर्श पर बैठ जाते हैं। तभी एक बंदा इनके हाथ पर पैर रख देता है। इसके बाद तो भाई साहब के जो करंट लगता है वह देखकर तो आप अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। अच्छा। और यह बंदा सीधा सीधा अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन इसकी किस्मत देखिए, जो छोटे से छेद में ही इसकी साइकिल का टायर चला जाता है। लगता है भाई साहब ने सुबह सुबह किसी भले आदमी का मुंह देखा है, वरना थोड़ी भी साइकिल इधर उधर होती तो आराम से निकल लेती। और रेस्टोरेंट में काम कर रहे इस कर्मचारी ने लगता है कि रात की नींद पूरी नहीं की, जिसकी वजह से यह बंदा काम करते करते प्लेट में ही अपना सर डालकर सो जाता है। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। और अब इन जनाब को क्या हो गया और यह ऐसे कैसे चल रहे हैं? लगता है कि इनकी नजर कहीं और थी। अगर आप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई साहब की आखिर नजर कहाँ थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दोस्तों इस डस्टबिन पर नजर डालिए जो बिना लाइसेंस के सड़क पर दौड़ने जा रहा है। लेकिन आज इसकी किस्मत कुछ सही नहीं है, क्योंकि उसी वक्त पुलिस आ जाती है और इसे वापस वहीं सेट करवा देती है। वाह यार, पुलिस के आने की टाइमिंग तो बड़ी जबरदस्त थी। और कुछ लोगों को पार्टी पॉपर खोलना नहीं आता और वह बिना मतलब का ही लोड ले लेते हैं। जी हाँ, भाई साहब को देखिए जिन्होंने इस पार्टी पॉपर को उल्टा पकड़ रखा है, और जैसे ही यह इसे छोड़ने के लिए घुमाते हैं तो सब कुछ पोपट हो जाता है। और कुचमादी का कीड़ा इंसानों को ही नहीं काटता बल्कि जानवरों में भी यह गुण पाए जाते हैं। जी हाँ, इस बिल्ली को ही देख लीजिए जो इस छोटे से कीड़े से मजाक कर रही थी। तभी कीड़ा बिल्ली को सबक सिखा देता है और फिर बिल्ली का मुंह देखिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यह टेम्पो वाला अपने टेम्पो को कुछ ज्यादा ही पीछे ले लेता है, जिसकी वजह से पास में पड़ी टेबल से टकराता है और टेबल जाकर सीधे कांच से टकराती है। वहाँ गुरु मान गए क्या ड्राइविंग है। और ड्राइविंग की बात आ ही गई है तो इन भाई साहब की ड्राइविंग भी देख लीजिए, जिनका बैलेंस देख आप इसे इनाम देना चाहोगे तो चलिए देख ही लीजिए। दोस्तों यह बुजुर्ग महिला एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी हुई है और अपने लिए एक केक ऑर्डर करती है, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। लेकिन इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए इनके परिवार में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, जो अकेले ही रेस्टोरेंट में बैठकर तालियां बजाने लगती है और अपने आप को विश करती है। यह देख बाजू में बैठा लड़का पहले तो अजीब महसूस करता है, लेकिन तभी पीछे से एक महिला आती है और वह भी इनका साथ देने लगती है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग महिला को बर्थडे विश करने लगते हैं। यार इस बुजुर्ग महिला के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इन पापा की परियों को देखिए जिन्होंने पानी के ऊपर अपना झूला लगाया हुआ है, लेकिन तभी एक परी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पीछे की तरफ झुक जाती है। काफी देर तक ऐसे ही लटके रहने के बाद जब यह वापस सीधी नहीं हो पाई तो हार मानकर नीचे गिर जाती है।
और इस पापा की परी से भी मिल लीजिए जिसके कारण में काफी अतरंगी है, जो इस मार्ट में फ्रिज पर चढ़कर पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और जैसे ही यह फ्रिज से उतरती है तो ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। वहाँ दीदी मान गए, टैलेंट की तो आप में कोई कमी नहीं है। दोस्तों रास्ते पर खड़ी इस अकेली लड़की को देखकर बंदा बोलता है कि 3 मिनट में उसके नंबर लेकर आऊंगा, और जाते वक्त यह अपने हाथ में चश्मा भी ले जाता है ताकि लड़की के सामने स्टाइल मार सके। और जैसे ही लड़की के पास जाता है तो देखिए उसके पैरों में कैसे गिरता है। और इन अंकल को देखिए जो पानी में छलांग लगाने से पहले अपने नाक को बंद करते हैं ताकि नाक में पानी न चढ़े। और देखिए अंकल कितना अच्छा तैरते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। दबा दिया, आगे बोलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।